सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो बताने जा रहा हूँ जो NS DLED में जो रजिस्टर्ड टीचर हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्या कहते हैं स्टडी सेंटर बनेंगे और किस टाइप से एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सारे स्टेटों के क्या कहते हैं रजिस्टर्ड टीचर हैं और उनके स्टडी सेंटर हैं और एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं हर स्टेट के हैं, जितने भी स्टेट हैं सबके हैं। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर्ड टीचर जो हैं वो 1,95,353 टीचर हैं, और इसके हिसाब से यहाँ पे जो स्टडी सेंटर हैं वो 1955 स्टडी सेंटर हैं, और 450 जो हैं वो क्या हैं एग्ज़ाम सेंटर हैं, 450 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हुए हैं। तो अभी एग्ज़ाम सेंटर स्टडी सेंटर हैं, इनकी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी कुछ कुछ टीचरों का अभी प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से अगर वेरिफिकेशन होता है तो संख्या बढ़ सकती है स्टडी सेंटर की और एग्ज़ाम सेंटर दोनों की। तो आगे हम बात करते हैं कि जो स्टडी सेंटर होगा इन पे क्या होगा। स्टडी सेंटर पे तो स्टडी सेंटर पे एक सिस्टम से बनाया जा रहा है कि सिस्टम में ये बताया जा रहा है, देखिए कि स्टडी सेंटर पे एक ये देखिए स्टडी सेंटर पे स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर होंगे। अच्छा, स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर कौन होंगे? तो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर जो हैं मल्टीपल हो सकते हैं डैट के, या तो BRC या हेड ऑफ़ किसी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, या सीनियर फैकल्टी ऑफ डैट की। तो इनका काम क्या होगा, जैसे मतलब रोल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मॉनिटरिंग करेंगे ऑल एक्टिविटीज़ की, सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। और जो है मास्टर ट्रेनीज़ जो हैं उनका काम ये है टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट फॉर द ट्रेनीज़। मतलब जैसे जो टीचर्स हैं जो NS DLED कर रहे हैं उनके लिए प्रिपेयरिंग असाइनमेंट, उनके असाइनमेंट बनाने में उनकी हेल्प करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम जो उनकी आ रही है असाइनमेंट बनाने में तो वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पे है रिसोर्स पर्सन एट द स्टडी सेंटर। रिसोर्स पर्सन होंगे स्टडी सेंटर पे, जो फैकल्टी होगी क्या कहते हैं डैट की या BRC की। तो ये जो है ये अरेंज करेंगे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स क्लासेस फॉर द टीचर ट्रेनीज। मतलब जो NS DLED कर रहे हैं टीचर वो उनके लिए मतलब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ट्यूशनल क्लासेस देंगे। और चौथे नंबर मेंटर्स आते हैं। अच्छा, मेंटर्स क्या करेंगे? मेंटर्स जो हैं टू ऑब्जर्व द एक्सेस 20 लेसन्स डिलीवर्ड बाय द टीचर्स ट्रेनीज, और गाइड करेंगे टीचर ट्रेनी को प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। मतलब जो लेसन प्लान बताया जाएगा कि क्या क्या लेसन प्लान है, तो उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे जो NS DLED टीचर कर रहे हैं उस स्टडी सेंटर पे मेंटर। तो मेंटर का ये काम है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आ रहा सुपरवाइजर्स। तो सुपरवाइजर्स जो हैं वो भी क्या कहते हैं फैकल्टी डाइट की ही है। ये जो हैं ये गाइड करेंगे बोथ द टीचर ट्रेनिंग एंड द मेंटर। तो जो टीचर ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग मतलब जो NS DLED कर रहे हैं टीचर्स, वो टीचर ट्रेनिंग मतलब, और उन और मेंटर्स को तो गाइड करेंगे उन दो को। और छठे नंबर पे ये जो है वर्कशॉप डायरेक्टर। अच्छा, वर्कशॉप डायरेक्टर जो होगा वो स्टडी सेंटर का बनाया जाएगा अलग से। तो इसमें क्या होगा, ये डिस्कस करेगा रेगुलरली विद द RPS एज रिगार्ड्स डे टू डे प्रोसेस, गाइड करेंगे वर्कशॉप के लिए, यही जो वर्कशॉप डायरेक्टर हैं। सेवन नंबर पे वर्कशॉप, ये भी स्टडी सेंटर के बनाए जाए, कंडक्ट करेंगे कंडक्ट द वेरियंस सेंसन ऑफ द वर्कशॉप, जो वर्कशॉप के वेरियंस सेंसन हैं उनको कंडक्ट करेंगे ये। तो इस हिसाब से ये जो वर्कशॉप के होंगे ये प्रिंसिपल भी होंगे डैट के या BRC के या किसी इंस्टीट्यूट के हेड होंगे, वो करेंगे टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस टू द टीचर ट्रेनी एट द एवरी स्टेज ऑफ द वर्कशॉप। कौन? वर्कशॉप फैसिलिटेटर। अब सेवन नंबर ऑफ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर NIOS टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। सेवन नंबर पे ये जो होगा NIOS के हेडक्वार्टर से NIOS की सारी जानकारी सभी टीचर्स ट्रेनी के पास पहुंचाएंगे।
तो अगर फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।